तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार देखना इसमें क्या हो रहा है। कि पहला डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ध्यान से देखना। जो भी सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है उसको पहले वेइंग करना है। अब जो भी सब्सटेंट है उसको डिजोल्व करने के लिए, अब ये इसमें देखो, ग्लास रॉड की हेल्प से सॉल्वेंट धीरे धीरे उसके अंदर डाला जा रहा है। एक साथ उसने सारा नहीं डाला है। ये फिल्टर पेपर बनाने का तरीका, एक साइड में तीन साइड हो जाएगी और एक साइड सिंगल साइड हो जाएगी। अब ये इससे इसको फिल्टर करेगा। अब यहाँ पे डालने से पहले इसने इस पे थोड़ा वाटर या लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसको डाला है ताकि ये मॉइस्ट हो जाए, ठीक है, ताकि जो अपना सॉल्वेंट है उसका लॉस नहीं हो। वाट्समैन फिल्टर पेपर इसने यूज किया है अपने पास जो है, वो नहीं, वाट्समैन फिल्टर पेपर। अब इसको ये ड्राई करेगा। या 3 महीने तुम्हें सब्सटेंट दे दिए जिनको मुझे क्या करना है कि सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो भी अपने पास है 1 ग्राम का अमाउंट तुमने ले लिया, 1 ग्राम अमाउंट तुमने लिया वेइंग करके, उसके बाद में जो भी सॉल्वेंट तुम यूज कर रहे हो उस सॉल्वेंट को धीरे धीरे एक ग्लास रॉड की हेल्प से उसके अंदर मिक्स करते जाओगे। मिक्स करने के बाद में जब वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर अपने पास क्या होता है कि उस सॉल्वेंट को जो भी डिजोल्व हुआ है उसको उसको अपन को क्या करना है, ड्राई करके वापस निकालना है। तो यहाँ पे ड्राई करके अपन उसको क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे वाट्समैन फिल्टर पेपर को। फिर उसके बाद में जो भी अपने पास ड्राई हो गया, तो उसके बाद अपन को क्या पता पड़ जाएगा कि यहाँ अपन को कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद कि कितना सॉल्वेंट अपन ने यूज किया था और वो जो अपने पास सब्सटेंट था ड्राई करने के बाद अपन को वापस फाइंड आउट हो गया, तो उसको अपन वापस यूज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन को पता पड़ जाएगा कि 1 ग्राम जो भी सब्सटेंट है उसको डिजोल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट अपन को यूज में हुआ। तो एक किसी सब्सटेंट के लिए अपने पास अगर 2 या 2 से अधिक अगर अपन सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पता पड़ तो जाएगी। सर इसमें सॉल्वेंट का कैसे पता चलेगा? किसका सॉल्वेंट अपन धीरे धीरे डाल रहे हैं उसके अंदर। अपन ने क्या किया है यहाँ पे,
यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि सॉल्वेंट अलग अलग, जैसे मान लो तुमने मान लो NaOH ही ले लिया, तो NaOH के पैलेट तुम्हारे पास छोटे छोटे हैं, ठीक है, या ग्लूकोज तुमने ले लिया, तो ग्लूकोज है तुम्हारे पास, तो 1 ग्राम ग्लूकोज तुमको वेइ करना है। वेइंग करने के बाद में अगर तुम वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो ग्लास रोड की हेल्प से धीरे धीरे वाटर उसके ऊपर डालोगे, ठीक है। तो ये ग्लास रोड की हेल्प इसलिए ले रहे हैं ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन को पता पड़ जाए कि मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। एकदम से पूरा डालेंगे तो पता नहीं पड़ पाएगा, और एक बारी में भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 या 3 बार अपन को वही प्रैक्टिकल दोहराना पड़ेगा। तो अपन को क्या पड़ जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर के अकॉर्डिंग कि कितना वॉल्यूम अपन ने वहां पे डिजोल्व करने में यूज ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को तो क्या सर पहले पता, हमारे पास कोई उस 1 ग्राम सब्सटेंस को अपन वेइंग कर रहे हैं, उस 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो भी सॉल्वेंट है उसको ग्लास रोल की हेल्प से अपन उसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो और अपन उसको साथ के साथ हिलाते भी जा रहे हैं। तो एक कंडीशन जो अपन ग्लास रोल से डाल रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप का अगर डिफरेंट भी आएगा तो 0.05 ml का डिफरेंट आएगा, तो या फिर अपन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि 1 ml का डिफरेंट आ गया, 0.1 का डिफरेंट आ गया, 1 ml का आ गया। मगर अपन 2-3 बार करेंगे तो अपन एवरेज से अपन वहां पे एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ डिजोल्व करते गए, उसके बाद अपन ने वाट्समैन फिल्टर पेपर में उसको फिल्टर किया और ड्राई कर लिया। ड्राई करने का सेंस अपन ने सॉल्वेंट को वापस उसमें से निकाल लिया और सब्सटेंट अपना वापस रिकवर हो गया। तो यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर से जब अपन डाल रहे हैं, मान लो तुम डालोगे तो क्या करोगे, पहले मेजरिंग सिलेंडर में तुम देखोगे कि कितना ml तुमने वाटर उसके अंदर भरा है, जो भी सॉल्वेंट है उसको मेजर करोगे। जब वो तुम्हारा सॉल्वेंट उसके अंदर मेजर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से कितना तुमने यूज में लिया वो तुम्हें पता पड़ जाएगा। मान लो तुमने 20 ml था और अपने अब यस तुम्हारे पास देखने पर 15 दिखता है, तो तुम्हारे को पता पड़ गया कि 5 ml मैंने यूज ले लिया, तो 5 ml उसके डिजोल्व करने के लिए काम में आ गया। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, कि अपन प्रैक्टिकल गर्मी में कर रहे हैं या सर्दी में कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर कंडीशन है, तो अपन को थर्मामीटर पे से रीडिंग को नोट करना पड़ेगा। तो ये एक काफी इजी सा प्रोसीजर है अपने पास जिसको तुम कर सकते हो। तो यहाँ जो तुम प्रैक्टिकल लिखोगे, तो सेकंड प्रैक्टिकल इसके अंदर डाल लेना, सेकंड लिख लो इसके अंदर, टू डिटरमाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरिक एसिड, टू डिटरमाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरिक एसिड इन वाटर एंड ग्लिसरीन, इन वाटर एंड ग्लिसरीन। जब बोरिक एसिड तुमने लिया तो 18 ml क्या आया, वाटर यूज हुआ, और ग्लिसरीन कितना, 4 ml। तो यहाँ तुमको पता पड़ जाएगा कि सोलुबिलिटी ml में कितनी है।